हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखेंगे कि आज सिल्वर माइक्रो क्या करने वाला है, कैसे इसमें रेंज रहेगी, क्या वो अपने जो रेंज भी बना रखा है 72,200 से लेके 70,000, 71,500, 600 उसका रेंज तोड़ने वाला है या फिर उसी रेंज में ट्रेडिंग करने वाला है। और मॉर्निंग की जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी, अगर आपने उसमें देखा होगा तो मार्केट में हमारे दोनों टारगेट को हिट किया। पहले उसने जाके फर्स्ट टारगेट को हायर साइड में किया, उसके बाद दोबारा नीचे आया, फिर नीचे से सपोर्ट से ऊपर जाके उसने क्लोजिंग किया। अभी फर्दर एक अच्छे सिनेरियो में बना हुआ है तो उसके बाद में देखेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी कुछ वीडियो कंटेंट मिल सकता है, यहाँ से आप जाके लर्निंग कंटेंट सीख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। अब हम आ गए हैं चार्ट पे। चार्ट पे अगर हम बात करते हैं तो करंट में अभी जो चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, अगर आप एक दिख रहे हैं यहाँ का ये कुछ पैटर्न और यहाँ के एक लगभग सिमिलर है, इसकी विक थोड़ी बड़ी हो गई है, अदरवाइज ये लगभग सिमिलर है। और साथ में मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और साथ में सपोर्ट लाइन का सपोर्ट है, जो लगभग 71,500 से लेके 71,570 लेवल्स इसके लिए थे। और मार्केट वहाँ पे आता है, एक कुछ पैटर्न बनाता है इस टाइप का और उसके बाद में ऊपर निकल जाता है। तो आपको पैटर्न को ट्रेड करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है, अपने ऊपर बिलीव करना है। अगर ऐसा कुछ पैटर्न बनता है तो आप वहाँ पे अगर स्मॉल क्वांटिटी के साथ, मैंने बाइंग के लिए बोला है हमेशा के लिए, तो अभी भी आपको अगर बाइंग साइड में मार्केट जाता है, जब तक मार्केट 72,600 के ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देना नहीं स्टार्ट करता है, एटलीस्ट एक दिन पूरा पूरा क्लोज करना चाहिए, उसके बाद ही हम इसमें कुछ पोजीशन ऊपर की तरफ बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाता है, हमें ऊपर की तरफ नहीं बनाना है पोजी। और फर्दर अगर मार्केट अभी दोबारा से 72,000 का जो लेवल है उससे नीचे तो इसने क्लोज किया है लगभग लगभग, लेकिन 71,800 होता हुआ अगर इस ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट लाइन जो अभी बनती हुई दिख रही है, इसके बाद ही आप बड़ी पोजीशन लेने के नीचे का प्रयास करिएगा। लेकिन ये क्लोज करना चाहिए, ऐसे आके दो दो बार आके यहाँ पे ये आके टच करके निकल गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दो बार आया है लेकिन आके यहाँ पे अगर क्लोज करता है इसके नीचे, तो हम इसमें थोड़ा बहुत पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले कर रही है। और इसके आसपास मार्केट जब भी आया है, रिस्पेक्ट किया है उससे ऊपर या फिर नीचे, दोनों साइड के लिए मूव अगर आप देख रहे होंगे तो। अभी इसको हम थोड़ा अगर और छोटा करते हैं तो आप देख सकते हैं बैक साइड से भी जो इसने यहाँ से पोजीशन बनाई थी डाउन साइड के लिए, उनको बहुत अच्छी रैली यहाँ पे मिली होगी, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद में मार्केट अभी ट्रेडर का मार्केट बना हुआ है, आज भी मार्केट ट्रेडिंग के लिए अच्छा रहेगा, इन्वेस्टिंग के लिए अभी यहाँ पर प्लानिंग बनती हुई नहीं दिख रही है। अब इसके बाद में अगर हम एक स्टेप और ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है 4 आवर, जो कि हम कंफर्म यहाँ से करते हैं कि क्या हमारा कंफर्मेशन है। तो आप देख रहे हैं जो करंट कैंडल की क्लोजिंग है उससे प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग है, दोनों कैंडल का अगर आप हाई और लो देखते हैं तो ऑलमोस्ट इसने इंगल्फ कर दिया था पूरे दिन के मूव को एक कैंडल ने। और उसके बाद में जो सेकंड कैंडल बनी है सपोर्ट से रिस्पेक्ट करके थोड़ा ऊपर बनी है। तो 4 आवर में मार्केट अभी उतना क्लियर नहीं है कि अपसाइड जाना है कि डाउन साइड जाना है। जब तक मार्केट ऊपर ट्रेड लाइन के क्लोज ना करें, एटलीस्ट 72,200 को क्रॉस करता है यहाँ पे, तो आपको 72,500-600 के लेवल के लिए जा सकता है। लेकिन 72,200 के नीचे आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मत बनाइएगा। अगर नीचे की तरफ मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो 71,800 के आसपास से थोड़ा सा आप यहाँ पे डाउन साइड की रैली देख सकते हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन दोनों इंपॉर्टेंट है। आपका स्टॉप लॉस उसी बेस से, रिस्क रिवार्ड के बेस पे होना चाहिए, क्योंकि विदाउट रिस्क रिवार्ड अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको प्रॉब्लम रहने वाली है। इनकेस इससे भी नीचे निकलता है तो 71,000 का देखते हैं लेवल टच करता है या फिर आने वाले एक दो दिनों में ये करने वाला है। तो ऊपर और नीचे दोनों के मूव फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियर हैं। आपको डेली टाइम फ्रेम में मार्केट थोड़ा सा निगेटिव बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन 4 आवर सेटअप में अगर आप देखते हैं तो प्राइस एक्शन बेस में लोअर लो तो कर रहा है मार्केट, लेकिन अभी जो 4 आवर की कल की ट्रेडिंग हुई है इसमें एक क्लियर मूव नहीं है, इसमें एक रेंज में फंसा हुआ है। जब तक इस रेंज को नहीं निकलता है तब तक हम यहाँ पे वेट एंड वॉच सिचुएशन में रहने वाले हैं। अब इसके बाद में अगर डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक डॉजी टाइप की कैंडल बनाई है हायर और लोअर, साथ में ये जो ऊपर की सपोर्ट लाइन और नीचे ट्रेंड लाइन, ये सारी दोनों लाइन्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट यहाँ से दोनों साइड मूव कर सकता है। 2 दिन इसने डॉजी बनाया है, मतलब मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना, फाइट बहुत तेज है। लेकिन जब भी इसका मूव ऊपर की तरफ होगा तो आपको 1,000 पॉइंट तक ऊपर की तरफ मूव मिल सकता है, नीचे की तरफ होता है नीचे भी आपको 1,000 पॉइंट से
ज़्यादा का मूव मिलने की कोशिश रह सकती है। तो दोनों साइड के लिए आप रेडी रहिए फ्रेंड्स। अगर आप नए हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।